हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी का एक और नया वर्ण। ये कौन सा वर्ण है? ये वर्ण कौन सा वर्ण है? ण। तो ण से क्या होता है? ण से बाण। क्या होता है? ण से बाण। ये कौन सा वर्ण है? ये व्यंजन ण। तो इसे हम कैसे लिखेंगे और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये देखो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ हमारे पास यहाँ पे पांच लाइन दी गई है। जो पहली और पांचवी लाइन है वो रेड कलर की, और बीच वाली तीनों लाइन वो ब्लैक कलर की। तो हमें ये ना ब्लैक वाली लाइन से स्टार्ट करना है। पहले हम यहाँ से फर्स्ट वाली ब्लैक लाइन से एक छोटी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। स्टैंडिंग लाइन बना के यहाँ से सेकेंड वाली ब्लैक लाइन से यहाँ से थोड़ा सा टर्न लेंगे, फिर वापिस यहाँ से स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से सेकेंड वाली ब्लैक लाइन से कर्व बनाया, फिर कर्व अप, यहाँ पे और स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। अपर कर्व बना के ये हमारा हण की पैटर्न बन गए। देखो, ये हमें पहले ब्लैक लाइन से सेकेंड वाले जो ब्लैक लाइन है उनके नीचे से टर्न लेके अपर कर्व बनाना है, फिर उनके बाजू में थोड़ी सी जगह छोड़ के एक स्टैंडिंग लाइन, अपर कर्व, स्टैंडिंग लाइन, और ब्लैक जो फर्स्ट वाली ब्लैक लाइन है उनके ऊपर दो सबको टच करते हुए एक स्लिपिंग लाइन। ये बन गया हमारा स्टेप बाय स्टेप ट्रेसिंग। अब हम यहाँ पे नीचे की लाइन में ट्रेस करेंगे। देखो अभी यहाँ पे अपर कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, ब्लैक वाली लाइन से स्टार्ट करके अपर कर्व जो वापिस यहाँ पे फर्स्ट ब्लैक लाइन पे टच करेगी, अपर कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, अपर कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, अपर कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन। अब हम यहाँ पे नीचे के नीचे जो लाइन दी गई है उसमें बिना ट्रेसिंग की मदद से करेंगे। देखो, यहाँ पे ब्लैक लाइन पे पेंसिल रख के स्टैंडिंग लाइन कर्व अप ले गए, फिर बाजू में थोड़ी सी जगह छोड़ के स्टैंडिंग लाइन और फिर स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन कर्व अप ले गए, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, अपर कर्व, थोड़ी सी जगह छोड़ के स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, अपर कर्व, थोड़ी सी जगह छोड़ के स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, अपर कर्व, थोड़ी सी जगह छोड़ के स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन। ये बन गया हमारा ना। सो बच्चों, आप लोगों को पहले ऊपर ट्रेस करना है और फिर नीचे बिना ट्रेसिंग की मदद से लिखना है। थैंक यू।